नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3 up to so on। हमें नेचुरल नंबर भी पता है, नेचुरल नंबर भी 1, 2, 3 up to so on होते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, इन्हीं नंबर्स के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है इन्हीं नंबर के लिए यूज हुआ है। उसके बाद बात करते हैं प्राइम कि हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। हमारे पास प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और वन के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। मेरे पास प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 90, अगर देखा जाए अप टू 100 तक मेरे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और इसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा 101 एंड अप टू सो ऑन। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो कंपोजिट नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होते एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर। तो मेरे पास ये वाले कंपोजिट नंबर्स होंगे 4, 6, 8, यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं यदि जिसके दो या दो से अधिक प्राइम फैक्टर बने। वन हमारे पास ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही मेरे पास प्राइम नंबर होता है। वन के बारे में है नॉट कंपोजिट, कंपोजिट नंबर नहीं होगा, और वन नॉट प्राइम, प्राइम नंबर भी नहीं होता ये नंबर। जो मेरे पास इस थ्योरम में लिखा हुआ है कि कोई भी कंपोजिट नंबर या आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए फैक्टर्स ऑफ प्राइम्स। जैसे अगर मैं 4 के फैक्टर बनाऊं 2 into 2 लिखा जा सकता है, 6 के बनाए 2 into 3 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि आपके पास हमेशा ये फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगी कि इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, मेरे पास 2 into 3 उसे लिखा जा सकता है 3 into 2, तो दोनों हमेशा सेम ही रहेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी प्राइम की प्रोडक्ट्स में लिख के दिखाना है। फर्स्ट लेते हैं, इसके अंदर है आपके पास 140 के हमें फैक्टर्स आते हैं करने, 2 से डिवाइड होगा 70, 2 से अगेन डिवाइड होगा 35, 5 से डिवाइड होगा 7, 7 से डिवाइड होगा 1। हमें लिखना है कि इस नंबर को 140 को इट्स प्राइम, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख के दिखाना है। तो ये होंगे आपके पास 2, 2, 5 into 7। 1 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होता इसलिए मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा। इसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है कि हमें फैक्टराइजेशन करना है, थर्ड की जगह फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है कि 5005 के हमें
प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, तो जिसके लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करने बाद मेरे पास आएगा 143। उसके बाद ये 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड करने बाद आएगा 13। तो मेरे पास 5005 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट और ले लेते हैं। लास्ट पार्ट में 7429 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ये 17 पे डिवाइड होगा, इससे पहले किसी भी प्राइम नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। 437 फिर 19 पे डिवाइड होगा, ये आएगा 23, फिर 23 गुंजा 23। तो आपके पास ये 7429 के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में होगा क्वांटिटी 23। 1 नहीं लिखना 1, क्योंकि मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होता। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।